का हमारा टॉपिक है एस्पर दिवस। एस्परजिलस फंगस, इस फंगस को ब्लू मॉल्ड कहा जाता है, ग्रीन मॉल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर की फंगस हम जनरली देखते हैं कि रोटी होती है, बासी रोटी होती है, तो बासी रोटी अगर उसको एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है, बारिश का सीजन होता है तो वो रोटी क्या करती है, वहां पे ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है। इसी के साथ ग्रीन फंगस और अचार में भी आते हैं, तो वहां पे अगर हम उसको निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टैंड करके, तो हमें एस्परजिलस फंगस दिखाई देती है। ये फंगस जो होती है मृतोपजीवी होती है। उससे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि इसको जो डिवीजन होता है यूमाइकोटा होता है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, इसकी क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोसियस, फैमिली यूरोसियसी, एंड जीनस इसका है यूरोसियम। यूरोसियम को एस्परजिलस भी कहा जाता है। अपने इसके अगर हम बात करें तो एस्परजिलस जो होता है वो सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि सड़े गले मृत पदार्थ का प्रभाव होता है। इसको ब्लू मोल्ड कहा जाता है और ग्रीन मोल्ड भी इसको कहा जाता है क्योंकि इनका कलर जो होता है वो नीला कलर होता है और हरा कलर होता है, इस वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा है। एस्परजिलस की अधिकतर जातियां जो होती है सड़े हुए फल, लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी, गोबर, गीले चमड़े, कागज, अचार, मुरब्बे आदि पर ग्रो होती है। कुछ एस्परजिलस ऐसे भी होती हैं जो जंतु एवं मनुष्य के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं, तो उनको वो डिजीज कॉज करती हैं, क्योंकि जो एस्परजिलस फंगस होती है वो एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन पदार्थ का सिक्रेशन करती है, विषाक्त पदार्थ का सिक्रेशन करती है। इस वजह से जो है वो जो फंगस होती है ये टॉक्सिक होती है। जो डिजीज कॉज करता है जंतु और मनुष्य के अंदर वो है माइकोसिस और एस्परजिलोसिस, ये दोनों डिजीज के नाम है जिससे मनुष्य और जंतु में रोग होता है एस्परजिलस फंगस के कारण। इसके अलावा जो एस्परजिलस ओराइजी है इसका निर्माण, इसका कार्य होता है एल्कोहल बनाने में, इसका यूज किया जाता है। एस्परजिलस नाइजर की अगर हम बात करें इससे सिट्रिक एसिड और अन्य कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है। कुछ एस्परजिलस की जातियां ऐसी भी होती हैं जो एंजाइम का उत्पादन करने में और एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए भी यूज आती है। अब हम बात करें थैलस के बारे में कि एस्परजिलस का थैलस तंतु फॉर्म में होता है, माइसीलियम फॉर्म में होता है। माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टा पाया जाता है जगह जगह पर, बहुत सारे तंतु आपस में मिलकर के माइसीलियम का निर्माण करते हैं, बहुकेंद्रकीय संरचना होती है, बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है। यहां पर भी तेल की बूंदों के रूप में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। ये हम नॉर्मल माइसीलियम बनाया है हमने एस्परजिलस का, तो एस्परजिलस का जो माइसीलियम होता है सुखाए पतले धागे के जैसे जाल के रूप में फैले हुए रहते हैं और ये पोष माध्यम की सतह को पूरा ढक करके रखते हैं। फिर हम बात करें कि इसका जो हाइफा होता है वो पोष माध्यम में गहराई तक प्रवेश करता है और प्रवेश करके वहां से जो भी इसका होश होता है वहां से इसको पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। कवक तंतु पतले श्वेत हल्के पीले रंग के और अत्यधिक शाकित होते हैं और इसके अंदर जो है वो सेप्टा पाया जाता है। फिर हम बात करें कि यहाँ पे सिंपल पोर पाया जाता है। सिंपल पोर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पट पाया जा रहा है ये एक दूसरे से छोटे से छिद्र के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई रहती है, तो यहाँ पे सिंपल पट पाया जाता है। बहुकेंद्रकीय संरचना होती है यानी ये कोशिका में बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं और ये सारे केंद्र अगर एक जैसे होते हैं होमोकैरियोटिक कंडीशन कहा जाता है। अगर सारे केंद्र अगर यहाँ पे अलग अलग टाइप के दो समझ लो, एक इस प्रकार का है और एक इस प्रकार का केंद्र पाए जा रहे हैं, तो इसको हेटरोकैरियन कंडीशन कहा जाता है या फिर इसको विषम केंद्रकीय कंडीशन भी कहा जाता है। इसी के साथ एस्परजिलस की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कोनिडिया का निर्माण करती हैं और कोनिडिया का जो निर्माण है वो कोनिडियम बोर्ड के ऊपर होता है और कोनिडिया हमेशा चेन में बनते हैं और इसका जो तल होता है, इसका जो क्रम होता है, सीक्वेंस जो होती है बनने की,
तलाभिसारी क्रम, यानी कि तल पर जो बनेगा वो न्यूली बनेगा, न्यूली कोनिडिया जो हमेशा तल पे बनेगा और जो पुराना वाला रहेगा वो सबसे शीर्ष पे रहेगा। इसका विमोचन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि शीर्ष वाला जो कोनिडिया है वो सबसे पहले रिलीज होगा और रिलीज होते होते नीचे की तरफ जो है मूव करता है, सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में बनता है वो सबसे लास्ट में रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में पहला पढ़ते हैं हम कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। माइसीलियम खंडों में टूट जाएगा तो ये अलग अलग फंगस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये जो है फंगस है ऑटोमेटिक ये जो है अलग से माइसीलियम बनाएगी और ये वाला जो है एस्परजिलस का अलग से माइसीलियम बनाएगा। ये है पहला जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेकेंड है फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की है कि यहाँ पे कोनिडिया के द्वारा होता है। अब कोनिडिया के लिए क्या होता है, कोई भी माइसीलियम जो होता है मैं यहाँ बना रही हूँ, जब कोनिडिया का निर्माण होने वाला होता है तो माइसीलियम जो है ऊर्ध्व की तरफ ग्रो करता है, ऊर्ध्व की तरफ जिसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है वर्टिकल कहा जाता है, वर्टिकल की तरफ ग्रो करता है और ऊपर की तरफ एक वेसाइकल फॉर्म कर लेता है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या होता है कि हमने पहले ही कहा था कि जो इसका माइसिलियम होता है इसकी भित्ति मोटी होती है, तो मोटी भित्ति होने की वजह से इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, यानी कि कोनिडिया फोर के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होने वाला होता है, तो इसमें एक कोई भी एक कोशिका जो है वो ऊपर की तरफ वर्टिकल रूप में ग्रो करेगी, ग्रो करके ये ऊपर की तरफ जो है बहुत सारे न्यूक्लियस और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जो है वो गोल कुंडलीनुमा बन जाएगा। अब जो नीचे वाली कोशिका है ये कहलाएगी इसकी फुट कोशिका। इसमें जो बेस वाली कोशिका है ये कहलाएगी फुट कोशिका और जो फुट वाली या पाद कोशिका होती है ये एक उदग्र अशाखित पट्टहीन शाखा के रूप में विकसित होती है और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कोनिडिया फोर। अब इसके ऊपर की तरफ हमें ये अर्धवृत्ताकार गोलाकार संरचना फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये कहलाएगी कुटिका या वेसाइकल कहते हैं और वेसाइकल में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में रहेगा। फिर हम बात करेंगे बहुकेंद्रकीय जो कुटिका होती है इसकी सतह पर इसके चारों तरफ अंगुलीनुमा प्रबंध विकसित हो जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या होंगे, अंगुलीनुमा प्रवर्त जो है वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं और ये अंगुलीनुमा प्रवर्त वेसाइकल्स होती हैं, इससे सेपरेट हो जाते हैं। ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्त हमें दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिग्माटा। ये चारों तरफ होते हैं इसको बोलते हैं हम स्ट्रिग्माटा। स्ट्रिग्माटा को प्रांगुल भी कहा जाता है और इसको कुंभिका भी कहा जाता है और ये कुंभिका जो होती है प्रांगुल जो होती है ये सघन रूप में व्यवस्थित रहती है और जो वेसाइकल्स है उसके चारों तरफ अरेंज रहती है। अब इस कुंभिका के अंदर भी न्यूक्लियस रहते हैं, अब इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। अब ये जो कुंभिका बनी है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रिग्माटा, ये जो है ये कहलाएगी प्राइमरी स्ट्रिग्माटा। अब इससे जो भी डेवलप होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रिग्माटा और सेकेंडरी से जो डिवीजन के द्वारा डेवलप होगा उसको बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रिग्माटा। तो इस प्रकार जो है स्ट्रिग्माटा अरेंज रहता है। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रिग्माटा होता है वो ज्यादा कंडेंस होता है, पास पास ज्यादा रहता है, हम इसको प्राइमरी स्ट्रिग्माटा समझें। इसके ऊपर जो निकलेगा वो सेकेंडरी अंगुलीनुमा प्रवर्त निकलेगा।
सेकेंडरी स्टिगमाटा कहेंगे, सेकेंडरी से निकलेगा उसको टर्शियरी स्टिगमाटा कहेंगे, और टर्शियरी स्टिगमाटा जो है ये ऊपर बनाएगा कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया इस प्रकार। ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है गोल गोल स्ट्रक्चर चेन के रूप में, ये है कोनिडिया। ये हमने बात कर ली है कि प्राइमरी स्टिग्मा कैसे बनता है, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी स्टिग्मा बनता है, और कोनिडिया का जो निर्माण है वो बाहर की सतह, ग्रैनुल के जो बाहर वाली सतह होती है वहां से लगातार चेन के रूप में होता है, और इसका जो ग्रैनुल का जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि जो स्टिग्मा है ये बॉटल शेप के आकार का रहता है, और इसमें एक केंद्र की संरचना होती है जिसका शीर्ष नुकीला होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्टिग्मा जो होते हैं वो केंद्र की संरचना भी पाई जाती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं बना यहाँ पे। और प्रांगुल जो होता है एक संकरे छिद्र के द्वारा कनेक्ट रहता है यहाँ पे, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन तो चाहिएगा ना, तो यहाँ पे ये संकरे छिद्र के द्वारा जो है कनेक्ट रहता है ताकि न्यूट्रिशन इसको मिल सके मदर प्लांट से। फिर हम बात करते हैं कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है। कोनिडिया का जो निर्माण है वो तलाविशाल कण में होता है, यानी कि अगर यहां से कोनिडिया बनना, यहां से कोनिडिया बनना शुरू होगा तो यहां से बनेगा, समझ लो पहला कोनिडिया ये बना है, ये बन गया पहला, फिर दूसरा बनेगा तो पहले वाला आगे चला जाएगा, तीसरा बनेगा तो ये हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा, इस प्रकार ही होगा क्योंकि तीसरा यहां बनेगा ना, फिर तो इस वजह से आगे खिसकता जाता है, इस वजह से ये चेन बन जाती है। इसका जो विमोचन का जो क्रम है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ये बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इस वजह से इसका जो विमोचन है वो एयर के द्वारा डिस्पर्सल आराम से हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोनिडिया निर्माण के समय जो प्रांगुल का केंद्रीय, प्रांगुल का जो केंद्रक होता है, हमने कहा था कि यहाँ पे हमें बात कर रखी है सिर्फ एक केंद्र की होती है, यानी प्रांगुल की रोटी का घर जो है सिर्फ एक केंद्र पाया जाता है, लेकिन एक और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बहुकेंद्र की संरचना भी होती है। तो ये जो एक केंद्र की संरचना है इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने की वजह से क्या होता है आउटग्रोथ बनेगी बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जो है कोनिडिया बनेगा, इस प्रकार लगातार ऐसा समसूत्री विभाजन होता रहता है और कोनिडिया का निर्माण चेन में होता रहता है। कोनिडिया के आकार की बात करें तो सूक्ष्म आकार होता है इसका, गोलाकार होता है, एक केंद्र की संरचना होती है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि केंद्र की जो कोनिडिया दिखाई दे रहा है कोनिडिया के अंदर फिर से डिवीजन हो जाता है, डिवीजन होने की वजह से ये बहुकेंद्र की संरचना में भी कन्वर्ट हो जाता है। कोनिडिया की भित्ति दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है, सबसे बाहर की तरफ बाह्य छोर होता है, बाह्य छोर के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, सबसे बाहर की छोर रहेगी बाह्य छोर जिसके ऊपर कांटे पाए जाएंगे, और अंदर की जो छोर रहेगी अंदर छोर जो रहेगी वो स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है। इसका जो कलर है वो नीला, नीला हरा भूरा काला कैसे भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पिगमेंट, कोनिडिया जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है पिगमेंट पाया जाता है, और इसका प्रकीर्णन क्योंकि हल्का है इस वजह से इसका प्रकीर्णन जो है वायु भरा हो जाता है। ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन, तो इसको अगर हम बनाए ये समझ लो इसको माइसीलियम, ये इसका माइसीलियम है, माइसीलियम से क्या बनता है यहाँ पे ये जो है कोनिडिया फोर, और कोनिडिया फोर के ऊपर कोनिडिया का निर्माण हो रहा है, और यहाँ से कोनिडिया रिलीज होंगे, ये रहा कोनिडिया, कोनिडिया का होगा जर्मिनेशन, ये हो गया जर्मिनेशन, इसका जो बाहर वाला फोल है ये रहा इसका होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने के बाद आपको जो है माइसीलियम बनाने लगे, इसका हो गया साइकिल अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन एस्पर्जिलस की बहुत कम प्रजातियों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, अगर दोनों ही थैलस देखने में एक जैसे होते थे जो एक जैसे दिखाई देंगे उसको हम जो है सम थैलस कहा जाता है, सम जालिक कहा जाता है, या फिर होमोथैलिक कहा जाता है, अगर अलग अलग रहते हैं तो उसको विषम थैलिक या विषम जालिक कहा जाता है। सम जालिक अगर जातियों की बात की जाए तो इसमें क्या होता है मेल और फीमेल जननांग का विकास जो है एक ही कवक तंतु पर होता है, और कवक तंतु जो होते हैं वो पास पास रहते हैं। अगर हम विषम जालिक की बात करें तो उसमें कवक तंतु तो पास पास होते हैं लेकिन उनके जो मेल और फीमेल ऑर्गन जो बनेंगे, सेक्स ऑर्गन जो बनेंगे वो अलग अलग थैलस के ऊपर बनेंगे। जहां पे मेल सेक्स ऑर्गन बनता है उसको बोलते हैं पुरालिंग, और स्त्री जननांग बनने वाले को बोलते हैं एस्कोगोनियम, या फिर इसको आर्किकार्प भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एस्कोगोनियम का निर्माण कैसे होता है।
हम पहले बात करते हैं एस्पोगोनियम के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिनस, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एस्पोगोनियम का निर्माण कैसे होता है। जब हमारा एस्पोगोनियम हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे एंथ्रीडियम का निर्माण कैसे होता है। एंथ्रीडियम का निर्माण कैसे होता है समझ लो। ये रहा माइसीलियम, ये हम माइसीलियम बना रहे हैं क्योंकि माइसीलियम जो होता है ब्रांच होता है, सेपरेट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर, फोटो भी सिंपल टाइप का होता है। इस प्रकार का ये माइसीलियम है हमारा, और इस माइसीलियम जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो क्या होता है, इसमें ऊपर की तरफ उभार निकल आता है, और ऊपर की तरफ जो है अगर उभार की हम बात करें ये स्पाइरल फॉर्म में रहेगा। इस प्रकार हम बना रहे हैं, यहाँ तो ये पट रहेगा, स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, स्पाइरल फॉर्म में रहेगा। इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके भी तीन पार्ट रहेंगे। हम बर्तन बना रहे हैं एस्पोगोनियम के बारे में, तो ये हो जाएगा एस्पोगोनियम। सबसे ऊपर वाला ये रहेगा ट्राइटोफाइन, ये रहेगा एस्पोगोनियम का चैम्बर, और नीचे वाला रहेगा इसका स्टॉक। बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, क्या होगा ऊपर की तरह आउटग्रोथ होगी, आउटग्रोथ होकर के वो स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि एंथ्रीडियम का निर्माण भी इसके पास वाले ब्रांचेस पे ही होता है, इसी से सटे हुए रहते हैं क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको होने बनाने वाली ब्रांचेस निकल आएगी, और ये यहाँ से सेप्टा के द्वारा जो है मदर से, मदर माइसीलियम से थोड़ा अलग हो जाएगी। जब एक का डेवलप होगा तो उसके साथ साथ दूसरे का भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फीमेल तो रहेगी एक, मेल रहेगी इसके चारों तरफ स्पाइरल क्रम में अरेंज रहते हैं। जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये वाला जो हमने बनाया है ये है यंग एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का निर्माण हो रहा जस्ट, यंग एंथ्रीडियम। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो अभी डेवलपमेंट होता है तो ये भी थोड़ा स्पाइरल है, फिर क्या बहुत ज्यादा स्पाइरल हो जाता है, स्प्रिंग के जैसा हो जाता है। तो हम इसको यहां बना लेते हैं, इसको हम प्लाज्मोगेनी हो गया, फिर इसमें
काफी समय तक ऐसे ही रहेगा और फिर लास्ट में इसका कैरियोगेमी रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2N में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कप ले रहे हैं हम जहाँ पे ये और ये न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए, जहाँ पे ये 2N में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इस डायग्राम को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, एक बार वापस डिस्कस करेंगे हम। 2N में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा अभी सिर्फ समझो इसको, बाद में वापस बताऊंगी एक बार। अब क्या होता है कि इसका जो बाकी वाला जार रहता है वो चारों तरफ गुद करके क्लेस्ट्रोथ्रीसियम का आकार बना लेता है, यानी इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। और इसके अंदर 2N है, 2N जाइगोट बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि जहां जहां फ्यूज हो रहा है वहां वहां न्यूक्लियस जो है अंदर की तरफ आएगा, एंथ्रीडियम से एस्कोमोनियम के अंदर प्रवेश करेगा और ये पेयरिंग बना लेगा, और पेयरिंग बनाने के पश्चात जो है वहां पे न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगेमी हो जाएगा। प्लाज्मा में भी पहले हो रहा है, फिर कैरियोगेमी हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला जो बॉल रहेगा ये तो बनाएगा एस्कस, और इसके अंदर वाला जो न्यूक्लियस है यहाँ पे होगा अर्धस्त्री विभाजन, जिससे 4 एस्को स्पोर बनेंगे, और इसमें होगा समसूत्री विभाजन जिससे 8 एस्को स्पोर बनेंगे। इस प्रकार क्लेस्ट्रोथीसियम के अंदर ये 8 एस्को स्पोर 10 एक रहेंगे। इस प्रकार स्ट्रक्चर रहता है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे इसका टाइम जाएगा वैसे वैसे ये एस्कस की वॉल जो है नष्ट हो जाएगी। एस्कस की वॉल नष्ट होने की वजह से एस्को स्पोर जो है वो सारे रिलीज हो जाएंगे, और एस्को स्पोर रिलीज होकर के वापस जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करने की वजह से माइसिन का तरह काम करेंगे। तो ये ओवरऑल है इसका लैंगिक जनन। अब हम इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम एस्कोगोनियम के बारे में। जो एस्कोगोनियम है उसमें क्या क्या होता है कि एस्कोगोनियम एक एस्कोगोनियम बनाने के लिए तंतु के ऊपर एक शाखा का विकास होता है, और शाखा सीधे ही सर्पिल क्रम में शीघ्र ही कन्वर्ट हो जाती है और पट्टयुग्म यानी सेप्टा बन जाता है। अब इसमें जो केंद्र रहेंगे वो बहुतंत्र की कंडीशन रहेगी, और धीरे धीरे ये शाखा सघन रूप से कुंडलित हो जाएगी, और सघन रूप से कुंडलित होकर के ये क्या बनाएगी, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लेगी। इसको बोलते हैं आर्किक आर्क, या फिर इसको एस्कोगोनियम भी कहा जाता है। अब आर्किक आर्क में हमने कहा था 3 क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होता है ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन लंबा पोर्शन होता है, आगे की तरफ का होता है, एक कोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारे केंद्र रहते हैं, ठीक है। और स्त्री जननांग का ये रिसेप्टिकल्स रहता है, ये ग्राही होता है, ग्राही पोर्शन होता है, ग्रहण करने का काम करता है। फिर है ट्राइकोगाइनक नीचे वाला पोर्शन, जिसको हमने कहा है ट्राइकोगाइनक जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है एस्कोगोनियम लिखा हमने। तो एस्कोगोनियम में बहुत सारे एक कोशिकीय कंडीशन रहेगी, लेकिन केंद्र किसमें बहुत सारे रहेंगे ये हम बात कर चुके हैं। और सबसे नीचे की तरफ जो आधार या भाग रहेगा वो बहुकोशिकीय संरचना रहेगी, बहुकोशिकीय संरचना उसी दिशा से आधार वाला पोर्शन बनाती है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि इसको होल्ड करके रखता है। अब हम बात करते हैं पौधाने के बारे में कि एस्कोगोनियम के पास के जो फिलामेंट्स होते हैं वहीं से पौधाने का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। पौधाने का डेवलपमेंट जो है वो गुच्छे में होता है, जरूरी नहीं है एक हो, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पौधाने का जो डेवलपमेंट अगर होमोथैलिक है तो एक ही थैलेस से होगा, और हेट्रो अगर जिसम तंतु की है हेट्रोथैलेस है तो फिर उसको अलग से होगा, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों माइसीलियम जो है पास पास होने चाहिए। अब आर्किक आर्क के पट्टीकरण से पूर्व, जब आर्किक आर्क का पट्टीकरण हो जाता है उससे पहले ही जो है ये एंथ्रीडियम बनना शुरू हो जाता है, फिर बाद में पट्ट के द्वारा जो है ये अलग हो जाता है। अब इस शाखा को बोलते हैं पॉलिनोडियम, ये जो शाखा विकसित हुई है इसको बोलते हैं पॉलिनोडियम, और पॉलिनोडियम के शीर्ष में पट्ट निर्माण के द्वारा जो है एक कोशिकीय पौधाने का निर्माण होता है। यहाँ पर जब पट्ट बन जाता है, पट्ट बनने से पौधाने का निर्माण हो जाता है, एक कोशिकीय होता है लेकिन बहुत सारे केंद्र इसमें रहते हैं, और बाकी वाला जो शेष पोर्शन रहेगा वो केंद्र वो स्टॉक के रूप में कार्य करता है। और इसका स्टॉक और पौधाने वाला चेंबर रहेगा दोनों ही एक कोशिकीय और बहुकेंद्र की संरचना रहेगी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोगेमी और कोशिका द्रव्य लयन कैसे होता है। हमने बात की है कि जो एस्कोगोनियम है एस्कोगोनियम के चारों तरफ क्या है एंथ्रीडियम है, तो एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम आपस में कोशिकाएं जो है या फिर भित्ति जो है ये दूसरे को टच कर रही है, तो इसकी उभयनिष्ठ भित्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो जनन पाया जाता है प्रोसीजर जो है वो है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, दोनों की गैमेटेंजियल जो है आपस में कॉन्टेक्ट में आ रही है, दोनों की भित्ति बीच वाली नष्ट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस रहेगा वो एस्कोगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाता है।
और ये प्रवेश जो होता है वो ट्राइकोपाइन की हेल्प से होता है, ट्राइकोपाइन छिद्र के द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य का संलयन यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे केंद्र का संलयन तो अभी नहीं होता है, और केंद्र का संलयन जो है बाद में होता है। बाद में कब होता है कि जब ये यूग को यानी पेयर्स के रूप में अरेंज हो जाता है, इस प्रकार दोनों के पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे जो है कोशिका केंद्र का भी संलयन हो जाता है। और जब दो केंद्र पास पास पेयरिंग बनाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन या केंद्र युग्म कहा जाता है। केंद्र युग्म के बाद में ये दोनों केंद्र फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और केंद्र का युग्म जैसे जो हमने कहा था ना केंद्र के जहाँ पे दो केंद्र आपस में मिलते हैं तो वहां पे फिर जगह जगह जो है पट्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जगह जगह पट्ट का बनना शुरू हो जाता है, फिर केंद्र का संलयन आराम से हो जाता है और जायकोड का निर्माण कर लेता है। अब क्या होता है कि एस्कोबोनियम के आधार से बहुत सारे बंध्य तंतु भी निकलते हैं। अब एस्कोबोनियम का आधार है, यहाँ से बहुत सारे बंध्य तंतु निकलते हैं जो क्या करते हैं इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और कवर करके ये कवर करने के पश्चात जो है ये क्लेस्ट्रोथीसियम नामक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। क्लेस्ट्रोथीसियम की संरचना जो होती है ये चारों तरफ जो रहती है वो आवासीय मृतक के रूप में गुथी हुई रहती है, झाल के रूप में रहती है। इसके अंदर जो है वो जाइगोट होता है, जिसको हमने कहा कि इसके अंदर एस्के निर्माण से क्या बनता है एस्कोस्पोर बनता है। एस्कोस्पोर जो है एस्कोस के अंदर एस्कोस के अंदर पड़े रहते हैं, और यहाँ पे एस्कोस की वॉल जो है वो एस्कोस की वॉल जो है नष्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ से ये बाहर की तरफ आ जाता है। जहां पे द्विगुणित केंद्र बनता है उसको कहा जाता है सिंकैरियन। इस कंडीशन क्या बोलता है सिंकैरियन कहा जाता है। यहाँ पे फिर अस्त्र विभाजन होगा, फिर एक बार समुद्री विभाजन होगा जिससे आठ एस्कोस्पोर बनेंगे, और एस्कोस्पोर क्लेस्ट्रोसियम से बाहर की तरफ बिखर आते हैं, और यहाँ पे इसका प्रकीर्णन जो है वायु के द्वारा हो जाता है। एस्कोस्पोर जो है वो अगुणित एक केंद्र की संरचना है, और इसकी भित्ति जो है वो दोहरी कला से आवरण होता है इसमें, जिसका बाहर की तरफ जो है बाह्य एपिस्पोर कहलाती है, भीतर वाली जो भित्ति है वो एंडोस्पोर कहलाती है। और जब इसका कंडीशन आती है फेवरेबल तब यहाँ से ये जो एस्कोस्पोर है इसका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने की वजह से ये नॉर्मल मेडिसिन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा एस्पर्जिलस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है।